अर्ज है, एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर के क्रांति चौक इलाके में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज। आज से सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। और शहर की तज़ीन कारी के लिए हर साल के माली बजट में की जाएगी गुंजाइश, म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी का तयक्कुन। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने किए गए गैस सिलेंडर के कीमतों में इजाफे की मजम्मत में शहर के क्रांति चौक इलाके में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। अवाम अब मोदी हुकूमत से बेजार हो गई है, आइंदा इंतखाब में अवाम उन्हें उनकी जगह बताएगी, ऐसा इस मौके पर कहा गया। मरकजी हुकूमत के गैस सिलेंडर के निर्ख में इजाफा करने की मजम्मत में कांग्रेस की जानिब से रास्ते पर चूल्हे लगाकर इस पर रोटियां डालकर क्रांति चौक इलाके में एहतजाज किया गया। इसी तरह सुबह को गैस सिलेंडर बजाकर एहतजाज किया गया। कांग्रेस की जानिब से गैस सिलेंडर के निर्ख में इजाफे के खिलाफ तकरीबन 1.5 घंटा एहतजाज किया गया। इस मौके पर हाथों की चूड़ियां दिखाकर मोदी हुकूमत की मजम्मत की गई। कांग्रेस के शहर सदर यूसुफ शेख, पवन डोंगरे, सरोज मसले, नामदेव पवार, हेमा पाटिल, सुरेखा पानकड़े, इकबाल सिंह गिल, सैयद अकरम वगैरह मौजूद थे। आज भाजपा सरकार के विरोध आम्ही गैस दरवाढी बद्दल जे आंदोलन करतोय, दर वर्षी प्रमाणे त्यांनी रेट प्रत्येक वर्षी आला नाही, दो महिन्याला रेट वाढवत आहे, तरी जनतेने किती त्रस्त व्हावं। आजपर्यंत जनता खूप त्रस्त झालेली आहे यांच्या दरवाढीमुळे, म्हणजे लोकांचं लग्न मुश्किल झालेलं आहे। प्रत्येक वेळेस त्यांनी गॅसचे दर वाढवून जनतेला म्हणजे हयात धरलेलं आहे, तरी आपण भाजप विरोधामध्ये एवढं आंदोलन करून सुद्धा गॅसचे दर कमी होत नाही, तरी या सरकारच्या विरोधात आज आम्ही जे आंदोलन करतोय आणि त्यांना आम्ही बांगड्या पाठवतोय, कारण मागे स्मृती इराणी यांनी आमचे मनमोहन सिंग यांना ज्या बांगड्या पाठवल्या होत्या, कारण की जेव्हा फक्त 5 रुपयांनी जे गॅस वाढला होता, 10 रुपयांनी वाढला, आताच्या सरकारमध्ये 300 रुपयांनी गॅस वाढतो, तरी काही होत नाही। आज औरंगाबाद शहर काँग्रेस समितीची तर्फे जो केंद्र सरकारने, भाजप सरकारने, मोदी की सरकारने जो गैस का दाम बढ़ाया है, उसे निषेध में हम क्रांति चौक पे कांग्रेस की तरफ से भव्य धरने आंदोलन का आयोजन किया है। हम यहाँ पे हमारे पूरे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारी यहाँ पे काफी बड़े तादाद में यहाँ मौजूद है। हम मोदी सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आपने इस देश की जनता का फसूनू की है, आपके अच्छे दिन कहाँ चले गए, इसलिए आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले 2024 में आपको ये जनता यहाँ से सत्ता पे से नीचे निकाले बगैर चैन से बैठेंगी नहीं, क्योंकि आपने इतनी महंगाई कर दी है, गैस बढ़ा दिया है, दूध बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और आप मोदी को यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की फिक्र है, अदानी और अंबानी की। हम भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का कांग्रेस के तरफ से, औरंगाबाद कांग्रेस के तरफ से निषेध करते हैं। सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 10वीं जमात के तहरीरी इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ। लासूर स्टेशन में 10वीं के तलबा ने बोल भवानी की जय का नारा लगाते हुए नारियल फोड़कर पर्चे की शुरुआत की, ऐसा वीडियो वायरल हो गया है। सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत लिए जाने वाले 10वीं बोर्ड के तहरीरी इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ। इस मरतबा 100% निसाब पर तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से बाज मरतबा इम्तिहान मनसूख किए गए थे और बाज मरतबा 20% निसाब कम किया गया था। इस मरतबा 10 मिनट का इजाफी वक्त भी नहीं दिया जा रहा है। लासूर स्टेशन में अजीबोगरीब वाकया पेश आया। तलबा ने इम्तिहान से कबल बोल भवानी की जय का नारा लगाया और नारियल फोड़ कर पर्चे का आगाज किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस साल 10वीं के इम्तिहान में 2616 स्कूल्स के 99,550 तलबा, इसी तरह
80,661 तालिबात, इस तरह जुमला 1,80,210 तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से नकल से पाक मुहिम पर अमल दरामद करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड और महसूल के वफ्द की नज़र इम्तिहान पर रहेगी। इम्तिहानी मराकज पर सख्त पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। G20 के तहत वीमेन 20 इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई बैरूनी खवातीन नुमाइंदों को ज़िला इंतजामिया की जानिब से विदा किया गया। आज सुबह से बाकी मानदा नुमाइंदे मुख्तलिफ तैयारों से रवाना हुए। ज़िला इंतजामिया ने G20 के तहत खवातीन नुमाइंदों की बेहतरीन मेज़बानी की। महाराष्ट्र की रिवायत के मुताबिक मेहमान खवातीन का खैर मकदम किया गया। दो यौम की कॉन्फ्रेंस और तारीखी मुकामात की सैर करने के बाद गुज़िश्ता दो यौम से खवातीन नुमाइंदे तैयारों से रवाना हो रही है और उनको विदाइयां दिया गया। आज सुबह से खवातीन नुमाइंदे मुख्तलिफ तैयारों से रवाना हुए, उनको भी विदा किया गया। So impressed by everything that the city has to offer. I think that people of Aurangabad have a lot to be proud of. I love the Ellora Caves. It was truly an incredible experience to see that. But I think what I personally have loved the most and have been most impressed with is the warmth of the people in Aurangabad. All the government, private sector, government, private sector, NGO, people, all the collaboration for this event. I love it. Wow, I will be here again. Oh yeah. And then the last step, I see the people in India, and I said, see you again, because in my mind, I will come again. Oh. We are so happy staying in Aurangabad, the heritage city. Beautiful. India is beautiful anyway. Incredible India. Nature. Yes, we went to the caves this morning to see the sunset, and it was just beautiful. It was so peaceful and just very, very beautiful. And also the history and learn everything about the caves was just very, very interesting. माजूरों के खातों में 5% फंड की गुंजाइश की जाए, इस मुतालबे समेत दिगर मुतालबात पर औरंगाबाद ज़िला हमा पार्टी माजूर एकता मंच की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और मुतालबात का महजर पेश किया गया। ADN से बात करते हुए मजीद मालूमात दी गई। आज हमारी डिमांड यही है, जो महानगर पालिका जो दिव्यांगों को तरस कर रही है, सिर्फ कागज़ पे कागज़, डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स मंगा रही है, वो ना करते हुए जो दिव्यांगों का लाभ है तो तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए। निधि होते साथे सिर्फ दिव्यांग लोगों को त्रस्त करने का काम महानगर पालिका ने किया है। महानगर पालिका कमिश्नर साहब को मिले, दिव्यांग कश्मीर मिले, सबको मिले, लेकिन दिव्यांगों की कोई सुन रहा नहीं। बोल के आज हमको ये नौबत आई है और आज हम जो है हमारा हक ले सिवा महानगर पालिका के पास से हटेंगे नहीं। कि महानगर पालिका के पास 18 करोड़ रुपये दिव्यांगों का बजट होने के बाद भी ये महानगर पालिका सभी दिव्यांगों को गुमराह करने का काम कर रही है। जब भी हमारे दिव्यांग भाई महानगर पालिका में पहुँच रहे तो उनको हर बार ये बताया जाता है कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका ने जो है तो 20 दिसंबर को 1913 लोगों के अकाउंट में 6 महीने के पैसे डाले और 6 महीने के पैसे डालने के बाद भी उसमें से बहुत सारे लोग टूटी के अंदर आए, तो वो टूटी क्लियर करने के लिए महानगर पालिका ने 3 महीने का वक्त गुजार दिया। उसके बाद में अभी 700-800 फॉर्म जो है तो महानगर पालिका के पास में सर्वे के लिए रुके हुए, तो महानगर पालिका के पास में आज ये लास्ट महीना है, साल खत्म हो रहा है 22-23 का, फिर भी महानगर पालिका ने किसी को अभी तक मानदान नहीं दिया है। राव महानगर पालिके ने डिसेंबर एंड अखेर काही लोकांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले, परंतु काही लोकांच्या त्रुट्या काढल्या आणि काही लोकांचे सर्वे केलेले नाही, आणि ज्या लोकांचे सर्वे झाले नाही आमची मागणी होती की महानगरपालिकेनं एक कॅम्प लावून त्यामध्ये सगळ्या अपंग लोकांचा सर्वे केला पाहिजे आणि ज्या त्रुटीचे लोकांना पैसे दिलेले नाही त्या लोकांच्या खात्यात ताबडतोब पैसे जमा केले पाहिजे आणि जे रेग्युलर लोक आहेत त्यांच्याबरोबरही ताबडतोब पैसे त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे, परंतु यापैकी महानगरपालिकेनं आजपर्यंत काहीही केलेलं नाही। गेली 3 महिने झाले आम्ही दररोज महानगरपालिकेमध्ये
वरिष्ठ अधिकारी खालच्या दिव्यांग कक्षाला आम्ही रोज जाऊन विनवण्या करतो, भेटतो, सांगतो त्यांना की दिव्यांग लोकांचे पैसे जमा करा. अधिकारी आम्हाला म्हणतात की तुमचं अकाउंटला गेलं, व्हाउचर झालं, पण अकाउंटला तिथं काही दिसत नाही. इकडे अपंग कक्षामध्ये आलं की ते म्हणतात फाईल तिकडे गेली. असं करून या दिव्यांग लोकांची ही फार मोठ्या प्रमाणात अवहेलना केली जात आहे. समाजी व माहौलियात के शोबों में गिरा कदर खदमात अंजाम देने वाले संबोधि एकेडमी के बानी समाजभूषण भीमराव हत्ती अंबीरे को थाईलैंड में होने वाले अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट के ताउन से होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए मदु किया गया है. मुसाबिखती इम्तिहानात इसी तरह समाजी और माहौलियात शोबों में गिरा कदर खदमात अंजाम देने वाले संबोधि एकेडमी के बानी नीज मुसाबिखती इम्तिहान तरबियती मरकज के डायरेक्टर समाजभूषण भीमराव हत्ती अंबीरे को थाईलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मदु किया गया है. थाईलैंड में 4 से 7 मार्च के दरमियान मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे. इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई. दो यौम के कैश काउंटर की रकम गिनते वक्त दो चोर कैबिन में दाखिल हो गए और चाकू की नोक पर 40,000 की रकम सुरखा करके ताजिर को कैबिन में बंद करके फरार हो गए. यह वाकया जादव मंडी में पेश आया. इसकी वजह से ताजिरों में दहशत फैल गई है. राजेश लक्ष्मी ठक्कर की जादव मंडी में प्लास्टिक के बारदान की दुकान है. वो बुध की शाम दुकान में कैबिन का दरवाजा बंद करके तन्हा बैठकर गुज़िश्ता दो यौम के कैश काउंटर की रकम गिन रहा था. इस मौके पर दो अजनबी अफराद आए. उनके हाथों में बड़े बड़े चाकू थे. चाकू बताकर इन चोरों ने पूरी रकम ठक्कर के हाथ से छीन ली. इसकी सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट भी ले लिया और ताजिर को कैबिन में बंद करके फरार हो गए. तकरीबन 40,000 की रकम और सोना इन चोरों ने सुरखा किया और मोबाइल लेकर फेंक दिया. ठक्कर ने सिडको पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी. नाजरीन, खबरें और भी है. लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा. वफ़े के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए एडियन उर्दू न्यूज. मस्त मास्क पहना रहे तूने. थैंक यू सर. ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और एक है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. सलाम. ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. नाथ शिष्टी यात्रा के दौरान पैठन में तमाम शोबों की जानिब से यात्रियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाए और यात्रा जोश खरोश से मनाई जाए, ऐसी अपील सरप्रस वजीर संदीपान भोमरे ने की है. पैठन में नाथ शिष्टि के दौरान तमाम रियासत से अकीदतमंद आते हैं. मुख्तलिफ शोबों की जानिब से उन्हें सहूलतें फराहम की जाए, ये बात सरप्रस वजीर संदीपान भोमरे ने कही है. उन्होंने कहा कि इस साल पैठन यात्रा जोश खरोश से मनाई जाए. सरकारी पूजा के प्रोग्राम के लिए वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को मदु किया गया है. ये बात सरप्रस वजीर भूमरे ने कही. आलमी किडनी दिन के दिन में किडनी फाउंडेशन औरंगाबाद फिजिशियन एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया है. इस दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी गई. मौलाना तरफे सायकल स्पर्धेत जिंकणाऱ्याला पहिलं प्राईज 5,000 रुपये, दुसरं प्राईज 3,000 रुपये. असे तीन वेगळे गट आहेत. मी सांगितलं तुम्हाला डायलिसिस करणारा एक गट आहे, त्यांना आपण जास्ती प्राईज ठेवलेलं आहे. ट्रान्सप्लांट जे फिट असतात त्यांना थोडं कमी आहे आणि डोनर्स त्यांचं जरा भावना उदात्त आहे, त्यांनी किडनी दान केलेली आहे म्हणून थोडं जास्ती प्राईज आहे. असे प्राईजेस ठेवलेले आहेत आणि आपण ते 20 लोक जे आउटस्टँडिंग परफॉर्मर आहेत त्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत. मी तुम्हाला सांगितलं जे 30 वर्ष जगलेला संदेश माझ्यातर्फे असणार असे की सध्या लाईफस्टाईलच्या आजाराचे एपिडेमिक किंवा पॅन्डेमिक आलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक तिसऱ्या माणसाला कुठला तरी लाईफस्टाईल आजार आहे. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अतिस्थूलपणा किंवा हृदयाचा किंवा किडनीचा आजार किंवा ॲथरोस्क्लेरोसिस रक्तवाहिन्याचा आजार किंवा मेटाबॉलिक सिंड्रोम किंवा डेअरीवाला, हे 7 आजार लाईफस्टाईलचे आजार आहेत. आणि
प्रत्येक तिसऱ्या माणसाला हा आजार आहे, ॲडल्ट प्रत्येक तिसऱ्या ॲडल्ट. तर हे जे काही पॅन्डेमिक आलेलं आहे ते कलियुग आळशी जीवनशैली आणि ते बदलायचं जर असेल, कारण डॉक्टर्स आणि ट्रान्सप्लांट डायलिसिस काही पुरणार नाही या 140 कोटी लोकांच्या लोकसंख्या असलेल्या देशाला. तिसरा पेशंट तिसरा माणूस पेशंट आहे असं मी म्हणतो आहे. तर तुम्ही विचार करा भवितव्य भारताचं किती खराब आहे. तिसरा पेशंट तिसरा माणूस पेशंट आहे साहेब लाईफस्टाईल डिसऑर्डरचा. आणि जर ते जागे झाले नाही, त्यांनी जर ते उलटं फिरवलं नाही, रोज दम लागेल आणि घामेल इतका व्यायाम केला नाही, हळशी जीवनशैली सुरूच ठेवली, तर काय होणार आहे या लोकांचं? 10 वर्षांनी डाऊन झालं. आज तरुण आहेत लोक, अजून 10 वर्षांनी ते तरुण राहणार नाही. तर त्यावेळी त्यांना हे सगळे लाईफस्टाईलचे आजार जडणार. कागज काच पत्रा कामगार तंजीम की जानिब से बैनुल अक्वामी कचरा मुलाजमीन दिन के मौके पर कचरा मुलाजमीन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल किया जाए. इस मुतालिबे पर मुलाजमीन ने धरना एहतजाज करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महजर पेश किया. 1 मार्च को बैनुल अक्वामी कचरा मुलाजमीन दिन मनाया जाता है. इस दिन में आज कचरा कांच पत्रा मुलाजमीन तंजीम की जानिब से कचरा मुलाजमीन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घन कचरा इंतजामिया में शामिल किया जाए. इस मुतालिबे पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामिया इमारत के रूबरू धरना एहतजाज किया गया और इंतजामिया को महजर पेश किया गया. इस मौके पर अपने मुतालबात के जिन में भाई सुभाष लोमटे ने एडियन से बात करते हुए मजीद मालूमात दी कि 1 मार्च हा अंतरराष्ट्रीय कचरा कामगार दिवस है आणि त्या दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही या ठिकाणी ठिय्या देऊन बसलेलो आहोत. त्याचं प्रमुख कारण 40-40, 50-50 वर्षापासून काम करणाऱ्या आमच्या ज्या भगिनी आहेत त्यांना गेल्या 7-8 वर्षापासून त्यांच्या कामापासून हुसकावून लावलं आणि खाजगी कंत्राटदाराच्या मार्फत हे आता काम करून घेतलं जात आहे. 2016 केंद्र सरकारनं नियम केले की जुन्या कामगारांना कामावरती सामावून घ्या, परंतु ते त्यांनी केलेलं नाहीये आणि म्हणून या प्रमुख मागणीसाठी आज आम्ही इथं बसत असतानाच या सगळ्यांना ओळखपत्र दिले पाहिजेत, यांना सगळ्यांना अंत्योदयचं रेशन कार्ड मिळालं पाहिजे, यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे, यांना यांच्या मुलांना निवासी मोफत शाळा मिळाली पाहिजे, वसतिगृह मिळालं पाहिजे, हक्काचं घर मिळालं पाहिजे आणि म्हातारपणासाठी पेन्शन मिळाली पाहिजे. ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आज आम्ही महाराष्ट्रामधले सगळे कचरा कामगार कुठं महानगरपालिकेवरती, कुठं नगरपालिकेवरती, कुठं ग्रामपंचायतीच्या समोर हे आंदोलन आम्ही महाराष्ट्रभर सुरू केलं आहे, देशभर सुरू झालेलं आहे. या आंदोलनाकडं किंवा या प्रश्नांकडं महानगरपालिका आणि सरकारनं जर दुर्लक्ष केलं तर इथं बेमुदत ठिय्या आंदोलन देण्याची आमची भूमिका आहे आणि तेवढ्यांनी जर भागलं नाही तर महाराष्ट्रभर जेलभरो करण्याची सुद्धा भूमिका आम्हाला घ्यावी लागेल. काँग्रेस पार्टी के उमेदवार रविंद्र धंगेकर अक्सरियत से कामयाब होने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी ऑफिस गांधी भवन में पटाखे फोड़कर और मिठाई तकसीम करके जश्न मनाया गया. सगळ्यात अगोदर कसबा पेठ मतदारसंघाचे आमचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र भंगेकर यांना औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे त्यांचं मी अभिनंदन करतो. हे विजय लोकशाहीचा विजय आहे, घनशाहीचा पराभव आहे आणि लोकांनी आता हे भाजप सरकारला आणि ईडी सरकारला त्याचा रास्ता दाखवलेला आहे. कारण 28 वर्षापासून ही मतदार ही हा मतदारसंघ भाजपचा होता आणि 28 वर्षानंतर हा मतदारसंघ महाविकास आघाडीने जिंकला आहे. याबद्दल मला महाराष्ट्र जनता समजलेली आहे की भाजप आता काय करू लागली. शहर में तजीन कारी करने के लिए आइंदा हर माली बजट में अलाहिदा गुंजाइश की जाएगी. ऐसा ऐलान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने किया है. इसकी वजह से अब शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा. G20 मधून आपल्याला जे काही निधी उपलब्ध झाला होता त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सुशोभीकरणाचे आणि ब्युटिफिकेशनचे जी कामं होती त्यात निविदा ह्या काही बिलोचे टेंडर आल्यामुळे
काही निधी जो सेव्ह झालेला आहे त्याच्यामधनं आम्ही ॲडिशनल काही ठिकाणी पेवर ब्लॉक्स जे टाकायचे आहेत आपल्याला त्याचं काम प्रस्तावित केलेलं आहे. त्याचबरोबरीने उद्यानाचे सुद्धा आपले दुरुस्तीचे जे काम आहेत ते सुद्धा प्रस्तावित केलेले आहेत. काही महत्त्वाची जी उद्यानं आहेत ती तर ती आता प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आपण आता विभागीय आयुक्तांना सादर करतो आहोत. याच्यामध्ये काही असे सांगण्यात येते किंवा काही न्यूजपेपरनी ह्या बातम्या देखील छापलेत की नवीन उद्याने देखील मोकळ्या जागेवर होत आहेत. नाही, नवीन उद्यान जे तयार होणार आहेत ते आपले मी जसं आपल्याला सांगितलं की एनकॅप नावाचा जो आपला निधी आहे तिच्यामधनं आपण नवीन उद्यानं करणार आहोत. सिटीच्या पेरीफेरीमध्ये जी काही ओपन स्पेसेस आहेत जे अजून डेव्हलप केलेल्या नाही आहेत अशा ठिकाणी आपण या निधीमधनं अर्बन फॉरेस्ट जे आहे ते डेव्हलप करणार आहोत. त्याच्यामुळे ओव्हरऑल एक तर एअर पोल्युशन कंट्रोललाही मदत होईल आणि लोकांसाठी एक चांगली ती एक याची जागा होते फिरण्याची एक वेगळी जागा डेव्हलप होईल. त्यासाठी जी कमिटी गठीत करण्यात आली त्या कमिटीची पण परवानगी घेतली लग्न जी मूलभूत सेवामधनं जे निधी प्राप्त झालेला आहे जसा आपण हा 50 कोटी शासनाकडनं आलेला निधी जो आहे त्याच्यामधनं जी काही कामं सेव्हिंगमधनं प्रस्तावित करायची आहेत त्याच्यासाठी आपण कमिटीची मंजुरी घेणार आहोत. त्याचा प्रस्ताव ऑलरेडी आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेला आहे तर ते विभागीय आयुक्तांच्या अंडर ही कमिटी असते त्यांच्यासमोर हा हे जाईल विषय जाईल आणि मग त्या कमिटीमध्ये निर्णय होईल त्याच्या. सर, जी ट्वेंटीमुळे लोकांच्या खूप अपेक्षा वाढलेल्या महानगरपालिकेकडून आणि महानगरपालिकेच्या कामाबद्दल ते खूप समाधानी खुश आहेत. असाच परिसर इतरही भागामध्ये स्वच्छ शुद्धीकरण शुद्धीकरण याच्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करणार आहे बजेटमध्ये त्याची तरतूद करणार आहे याबाबत काय सांगाल? हो नाही, या अगोदरही मी सांगितलेलं आहे की G20 निमित्ताने आपण जे काही कामं केलेली आहेत त्याला नागरिकांचा जो भरभरून प्रतिसाद मिळाला त्याच्यासाठी ते बघता आपण शहराचे जे काही एरियाज याच्यामध्ये कव्हर झालेले नाही आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा एक शहर सौंदर्यीकरण निधीचा जो आहे एक वेगळा हेड यावेळेस आपल्या बजेटमध्ये यावर्षी पण तो क्रिएट केला होता आपण आणि पुढच्या वर्षी पण ठेवणार आहोत. त्याच्यामध्ये जी दरवर्षी आपण तरतूद करू त्याच्यामधनं वेगवेगळी जी कामं आहेत सुशोभीकरणाची ब्युटिफिकेशनची पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातली काही ती सुद्धा आपण त्या निधीमधनं घेऊ. नाव चेंज करण्याबद्दल काय महानगरपालिकाचं नाव जे आहे त्याचं चेंज करण्यासंदर्भामध्ये नगरविकास विभागाकडनं नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी झालेलं आहे. तर आपली महानगरपालिकेचं नाव जे आहे ते आता छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका असं करण्यात आलेलं आहे. सिडगो इलाके के नाजायज कब्जाजात हटाने की मुहिम शुरू की गई है. शहरी खुद के नाजायज कब्जाजात निकाल लें, ऐसी अपील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने की है. सिडको एरियामध्ये जी काही आपले पब्लिक स्पेसेस आहे म्हणजे पर्टिक्युलरली आपले रस्ते असतील डिवायडर्स आहेत किंवा ग्रीन बेल्ट्स आहे या ठिकाणी जे काही अतिक्रमण आहे त्या अतिक्रमणाची जी एक माननीय उच्च न्यायालयाच्या अंडर एक कमिटी तयार झाली होती त्या कमिटीच्या माध्यमातून आपण सर्व लिस्टिंग करून घेतलेली आहे आणि हे अतिक्रमण काढण्याची कारवाई ही आजपासून सुरू झालेली आहे. याच्या अगोदरही आपण नागरिकांना अपील केलं होतं की त्यांनी स्वतःहून हे जे सगळे अतिक्रमण असेल तर ते काढून घ्यावं आणि पुढची अनावश्यक जी कारवाई असेल ती टाळावी. मी पुन्हा जरी आज आमची कारवाई सुरू झालेली असली तरी सुद्धा पुन्हा सर्व नागरिकांना आता अपील करतो की अजूनही आपण आपले जे असे काही अतिक्रमण असेल तर ते स्वतःहून काढून घ्यावे. महानगरपालिकेमार्फत नाही तर ती काढली जातीलच आणि पुढची पुढील कायदेशीर कारवाई सुद्धा केली जाईल. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर. गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर के क्रांति चौक इलाके में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज. आज से सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के 10वीं जमात के इम्तिहान का आगाज. और शहर की तज़ीनकारी के लिए हर साल के माली बजट में की जाएगी गुंजाइश. म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी का तयक्कुन. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.